क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो छिपकली देखते ही चिल्लाने लगते हैं और बहुत उपाय करने के बावजूद छिपकलियां घर से भाग नहीं रही हैं और परेशान कर रही हैं? अगर आप भी चाहते हैं छिपकलियों से छुटकारा पाना तो आज हम आपके लिए इसी प्रकार की रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। आप इसका उपयोग करके आप रातों रात अपनी छिपकलियों घर से भगा सकते हैं। मोर पंख और अंडे के छिलके से नहीं बल्कि इन तरीकों से भगाएं छिपकली के लिए। तो शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं ऐसी क्या उपाय है, ऐसी क्या तरीका है छिपकलियों को अपने घर से भगाने का। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल असरदार ज्ञान पर। चलिए शुरू करते हैं छिपकलियों भगाने की प्रक्रिया। छिपकली को देखते ही मुंह से चीख निकल आती है। जी हाँ, छिपकली से किसे डर नहीं लगता, खासकर महिलाएं तो इसे देखकर बुरी तरह से घबरा ही जाती है। छिपकली से इतना डर लगता है कि जिस कमरे में छिपकली होती है उस कमरे में ना जाएं। यहाँ तक कि छिपकली को भगाने के लिए अपने घर के सभी कोनों पर कुछ लोग मोर पंख और अंडे के छिलके तक रख देते हैं, लेकिन छिपकली उसी के आसपास घूमती हुई रहती हैं। यानी मेरा जो बता रहा हूँ मैं आपके लिए इस तरह से, ये उपाय जो आपने किए हैं, ये प्रयोग आपने करे हैं, अगर आप में इसको सफलता नहीं मिली है तो चलिए जान लेते हैं नया उपाय जिस छिपकली आपके घर से भाग जाएगी। काली मिर्च का स्प्रे। आप काली मिर्च के स्प्रे का उपयोग करके भी छिपकलियों को दूर भगा सकते हैं। इस स्प्रे को बनाना काफी आसान होता है। इसके लिए आपको किसी प्रकार के केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्प्रे बनाने के लिए बस आपको काली मिर्च पाउडर को पानी के साथ मिलाना है। इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में डालें तथा इसे घर के विभिन्न कोनों में छिड़कें जहां छिपकली होने की संभावना अधिक होती है। इसकी तेज गंध आपको छिपकलियों से आसानी छुटकारा दिला सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि प्रयोग से पहले इसे अच्छे से हिला लें ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए। लहसुन और प्याज। एक स्प्रे की बोतल लेकर इसमें प्याज का रस और पानी भर लें, फिर इसमें कुछ बूंदे लहसुन के रस के मिलाकर उसे अच्छे से मिला लें। अब इसे घर के हर कोने में छिड़क दें जहां छिपकली सबसे ज्यादा आती है। आप चाहें तो लहसुन की कली भी रख सकते हैं, इससे भी छिपकलियां दूर भाग जाती हैं। इसके अलावा प्याज को स्लाइस में काटकर उसे धागे से बांधकर लटकाने से भी वहां आने वाली छिपकलियां भाग जाती हैं। प्याज में सल्फर ज्यादा मात्रा में होता है जिससे बुरी दुर्गंध निकलती है और छिपकली भाग जाया करती है। बर्फ का ठंडा पानी। क्या आपने कभी गौर किया है, सर्दियों में छिपकलियां बहुत कम नजर आती है, यानी उसका ठंड ज्यादा लगती है। ऐसे में जब छिपकली नजर आए तो उस पर ठंडे बर्फ वाले पानी को स्प्रे से छिड़क दें, इससे उसको ठंडा लगेगा और वह भाग जाएगी। ऐसा कई दिनों तक लगातार करते रहेंगे तो वह घर छोड़कर ही भाग जाएगी। फिनाइल की गोलियां। अक्सर हम कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए फिनाइल की गोलियां उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह यह गोलियां छिपकलियों को दूर भगाती है। बस आपको इतना करना है कि जहां छिपकली दिखे वहां दो फिनाइल की गोलियां रख दें। इसकी गंध से छिपकलियां आपके घर से दूर भाग जाएंगी। दोस्तों ये छोटा सा घरेलू उपाय था। अगर आप भी छिपकलियों से परेशान हैं तो आपके घर में ज़्यादा छिपकलियां हैं तो आप इस तरह से उनको दूर कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी बताने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी मैं आपको रोजाना दे सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।